A very good morning students, welcome you all in Shantikunj online classes. Today we will discuss about the chapter 2, the sound of music. ठीक है, ये second chapter है बच्चों, देखिए आपका ये, इसमें हम पढ़ेंगे, ये देखिए English की आपकी book है ये NCERT की 9th class की. ठीक है बच्चों, ये देखिए अगर आपने नहीं ली है तो आप ले लीजिएगा. इसमें देखिए द साउंड ऑफ म्यूजिक सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. और आज हम देखिए बिफोर यू रीड इसे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. गॉड मैनी हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी. कहते ना कि जिसके बारे में बात हो रही है, एवलिन जो है वो एक बच्चे की कहानी है जो कि एक टीनेजर्स है, लेकिन क्या है कि भगवान ने उसकी, गॉड हैज मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी जो सुनने की शक्ति है वो भले ही ले ली हो, बट ही वॉज गिवन हर बैक समथिंग, लेकिन उसे कुछ ऐसा दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीन्स टू से असाधारण, जो कि बिल्कुल कॉमन नहीं है. वट वी हियर जो हम सुनते हैं, जो हम वह जो फील करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी में भी वो कैपेसिटी नहीं है जो कि वो फील कर सकती है, दूसरे वो सुन सकती है, वो महसूस कर सकती है. तो कहते हैं ना कि भगवान अगर एक शक्ति ले लेते हैं आपकी सुनने की, चाहे सोच उसकी देखने की, तो आप में एक ऐसी सेंस ऑफ ह्यूमर लगा लीजिए, या फिर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कैपेसिटी होती है जो कि एक कॉमन पर्सन में नहीं होती. तो यही बात एवलिन में थी. दिस इज दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली. और यही एक कारण था जिसकी वजह से वो जो म्यूजिक है उसको बहुत ही खूबसूरती से प्रदर्शित करती थी, बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्रेस करती थी, ठीक है, व्यक्त कर सकती थी. तो रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट. तो चलिए हम इस जो पर्सन है इसके बारे में पढ़ते हैं जिसने लड़ाई करी, संघर्ष करा, किसके खिलाफ, फिजिकली डिसेबिलिटी के खिलाफ, जो कि एक शारीरिक अपंगता है, विकलांगता है, इसके खिलाफ उसने स्ट्रगल किया एंड मेड हर लाइफ, और उसने अपनी जिंदगी को अ सक्सेस स्टोरी, एक सफल जो कहानी है वो बनाया. ठीक है, तो एवलिन के बारे में है ये स्टोरी. तो लेट्स स्टार्ट. Rush are crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from the Scottish farm. But this aspiring musician faced off bigger challenges than most. She was profoundly deaf. जो deaf है वो, तो उसमें क्या है, देखिए इस फर्स्ट पैरे में हमें ये बताया कि जो एक गर्ल होती है वो कहाँ खड़ी होती है, प्लेटफॉर्म पे. जैसे कि हम देखते हैं ना प्लेटफॉर्म पे बहुत ही ज्यादा भाग दौड़ भरी, मतलब लोग होते हैं और भीड़ भाड़ होती है, धक्का मुक्की होती है, तो ऐसे ही अंडरग्राउंड जो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे वो जो एवलिन होती है, जो गर्ल होती है, टीनेजर्स, वो धीरे धीरे, मतलब यंगर होती है, वो 17 ईयर्स से ज्यादा की नहीं होगी, और वो बहुत ही यंग थी और वो बहुत नर्वस थी और एज वेल एज एक्साइटेड भी बहुत थी, है ना. नर्वस तो थी क्योंकि हम फर्स्ट टाइम, वो एक रॉयल प्रेस्टीजियस वहाँ का लंदन का एक कॉलेज है जहाँ पे उसका फर्स्ट डे था, तो वहाँ पे वो मतलब बहुत ही ज़्यादा डॉन्टिंग होता है, डॉन्टिंग इनफ टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. स्कॉटिश में मतलब उसका जो फर्स्ट था, डॉन्टिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल होता है ना, जैसे भयावह सा माहौल होता है ना, फर्स्ट टाइम वी डोंट नो अबाउट एनी वन, हम किसी के बारे में नहीं जानते, हम किसी को समझते नहीं है, तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम अगर ऐसे रॉयल प्रेस्टिजियस कॉलेज में जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हमें हेजिटेशन होती है, घबराहट होती है, तो क्या करेंगे. तो ऐसे ही उस लड़की के साथ हो रहा था. बट दिस इंस्पायरिंग म्यूजिक फेस्ड अ बिगर चैलेंजेस, लेकिन इसके मतलब जो है वो जो उसकी प्रेरणा थी ना, म्यूजिशियन जो था, तो उसने मतलब बहुत बड़े बड़े जो चैलेंजेस हैं वो फेस कर रखे थे. मोस्ट सी प्रोफाउंडली डेफ, कि मतलब वो एक, मतलब उसके बहरेपन के बावजूद भी उसने, जो कि वो सुन नहीं सकती थी, उसके बावजूद भी उसने बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रखे थे, तो उसे ये चीजें बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं कर रही थी, फैक्ट नहीं कर रही थी. एल्विन गैलिन्स लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. जो एल्विन है, गैलिन्स जो हैं, उनने अपनी जो सुनने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे खोई थी. हर मदर रिमेंबर्स, उनकी मदर को आज भी याद है, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, उन्होंने ये नोटिस किया कि कुछ गलत है. वेन द 8 ईयर्स ओल्ड एवलिन,
जब 8 साल की जो एवेलिन है वो वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब वो वेट कर रही थी पियानो मतलब बजाने के लिए, तो दे कॉल्ड हर नेम्ड एंड शी डिड नॉट मूव. तो उसने बार बार जब वो कोशिश कर रही थी उसको बजाने के लिए, तो उसने बार बार उसका नाम लिया एवेलिन एवेलिन, बट शी डिडंट मूव, लेकिन वो हिली नहीं, उसे सुनाई नहीं दिया. मीन्स टू से आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड. तो मैंने उसकी जो मदर है वो उनके शब्द हैं कि वो फिर कहते हैं कि मैंने उस टाइम ये रियलाइज किया कि वो जो है वो सुन नहीं सकती थी. तो सेज इसाबेल ग्लेनी, मतलब इसाबेल जो ग्लेनी है वो उनकी मदर का नाम है, फॉर क्वाइट अ वाइल एवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. फिर उन्होंने धीरे धीरे उसे छुपाना शुरू किया कि मतलब उसकी जो फ्रेंड थी उनके जो टीचर्स थे उनसे, कंसील होता है छुपाना, तो वो मैनेज किया एवेलिन ने कि हाँ नहीं मैं सुन सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ उसने मतलब मैनेज करते हैं. जैसे बच्चे होते हैं ना, उन्हें थोड़ा शाई फील होता है, उन्हें महसूस होता है, थोड़ी एम्बेरसमेंट होती है कि कोई अगर कमी होती है, खामी होती है किसी चीज में. तो बट बाय द टाइम शी वॉज 11, तो उस टाइम पे वो अब कितने साल की हो गई थी, 11 साल की हो गई थी. तो हर मार्क्स हैड डेटेरियरेट बट एंड हर हैड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. तो फिर जब उसके जो मार्क्स हैं वो बहुत कम आए क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी, ऑब्वियसली बात है, तो वो रिएक्ट कैसे करती, समझती कैसे क्वेश्चन आंसर है, बहुत सारी चीजें होती हैं क्लास में. तो फिर जब वो 11 इयर्स की हो गई तो उनकी जो हेड मिस्ट्रेस है जो कि उनकी प्रिंसिपल है, उन्होंने उनकी मदर को मतलब बुलाया और फिर उन्हें मतलब एक स्पेशलिस्ट जो होते हैं रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उनसे कंसल्ट करने के बारे में उनसे डिस्कस किया कि आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. तो इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज severely impaired as a result of gradual nerve damage. तो उनकी जो धीरे धीरे जो nerves थी, जो धीरे धीरे जो वो थी वो damage हो गई थी, तो जिसकी वजह से वो अपनी सुनने की शक्ति जो है वो धीरे धीरे खो चुकी थी. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for a deaf. तो उन्हें एडवाइस दिया गया कि देखो जब तक वो फिट नहीं हो जाती, सुनने की जो शक्ति है उनकी वो नहीं हो जाती, तो आप उन्हें जो डेफ वाले जो स्कूल हैं जहाँ पे मतलब जो होते हैं ना कि जो कि बहरे बच्चे होते हैं, तो उन वाले आप स्कूल में उन्हें भेजें ताकि जो है वो अच्छे से मतलब समझ सके और चीज़ों को अच्छे से जान सके. एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक सेज एवेलिन. तो मतलब हर चीज जो है अचानक ही बदल गई जब मतलब फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे एकदम ही जो बिल्कुल ब्लैक हो गई, चीजें बिल्कुल ब्लैक दिखने लग गई. तो एवेलिन ने बोला, बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन जो एवेलिन थी वो गिव अप करने वालों में से नहीं थी, है ना. तो चलिए बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. बच्चों चैप्टर देखिए आपका बड़ा है, तो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे अपने लास्ट वीडियो में इसे कंप्लीट करवा पाएं. तो आज के लिए आपका होमवर्क है बच्चों, देखिए आपको जो ये है चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, ठीक है, इसको पहले आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है. और इसके जो वर्ड मीनिंग है, है ना, देखिए जैसे ये बताए गए थे ना, ये वर्ड मीनिंग जो भी हैं ये सारे आपको क्या करने हैं, अच्छे से लर्न करने हैं. वर्ड मीनिंग्स जो हैं ये जो दिए हुए हैं इसमें से आपको 20 वर्ड मीनिंग्स जो हैं आपको लर्न करने हैं. आज के लिए बच्चों आपका ये होमवर्क है, ठीक है बच्चों. तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.